सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो बड़ी नादिर और जामे सफात शख्सियत थे। इनकी ख़ानदानी अजमत बेमिसाल थी। वो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जानी जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो के साहबजादे और उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे थे। इनकी शख्सियत असल जौहर इनका वसी इल्म फजल था। कुरान और सुन्नत के अलूम इस कदर जामे और रासिख आलिम थे। ताजदार अदालत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो जैसा अबकरी इंसान भी इनकी इल्मी अजमतों से हमेशा मसरूर और मुतासिर रहा। नाम आपका अब्दुल्ला, कुनियत अबू अब्बास थी। वालिदे गिरामी का नाम अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब था, जो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हकीकी चचा थे। वालिदा का नाम उम्मे फजल लुबाबा बिनते हारसा अल हालिया था। वो इन जलीलुल कदर सहाबियात में से थीं जिन्हें मक्का मुकर्रमा में उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बाद सबसे पहले कबूल इस्लाम का शर्फ हासिल हुआ। उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हा की सगी खाला थी। इस नस्बत से सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम चचा जात भाई होने के अलावा खालू भी थे। आपके अलकाबात में हिब्रुल उम्मत, फकीउल असर, इमामुत तफसीर, अल बहर, तर्जुमानुल कुरान, अबुल खुलफा, इमामुल मुफस्सिरीन है।